आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स चिवड़ा, जिसके लिए हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें चाहिए 100 ग्राम्स मुरमुरे, 50 ग्राम्स पोहा, 30 ग्राम्स मकाई पोहा, थोड़ी सी मूंगफली, फिर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी, थोड़ी सी हींग, थोड़े से करी पत्ता, नमक स्वाद अनुसार और चीनी स्वाद अनुसार। हमें तेल गरम करना है, इसके लिए हमने थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लिया है और धीमी आंच पर रख दिया है। जब तेल गरम हो जाएगा तो हम उसमें मकाई पोहा और पोहा और मूंगफली तीनों को तेल में अलग अलग तल देंगे। अब तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें मकाई पोहा तलेंगे। देखिए इस तरीके से ये तल के बाहर आ जाएंगे। अब हम इसमें पोहा डाल देंगे, पोहा को भी फ्राई कर देंगे। ये मकाई पोहा और पोहा दोनों को हमने फ्राई कर दिया है, अब हम इसमें मूंगफली फ्राई कर देंगे। उसके बाद हम चिवड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो ये मूंगफली भी डाल दी है हमने। सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। उसके लिए पहले हमें एक बड़े बाउल में थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब उसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं डालनी है, बस थोड़ी ही डालेंगे। उसके बाद थोड़े से करी पत्ता डालेंगे और फिर हम इसमें मुरमुरा डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। अगर आपको चीनी नहीं चाहिए तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। सॉल्ट स्वाद अनुसार। और ये जो तला हुआ मुमरा, ये पोहा और ये मकाई पोहा, सभी इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें ताकि कलर अच्छा आ जाए, और थोड़ी सी रेड मिर्च पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाएगी और एकदम धीमी आंच पे आपको रखना है ताकि जल ना जाए, ठीक है। ये देखिए इसका कलर भी आने लगा है और अच्छा दिखेगा। इसे बस धीमी आंच पर एक और मिनट पकाकर गैस बंद कर देना है। ये देखिए कितना अच्छा मिक्स चिवड़ा तैयार होके बन चुका है। इसे आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या मेहमान आए तो उसे भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।